तो निकल चुके हैं मैं प्रीति हमारा शॉपिंग कंप्लीट करके, और मैं अंदर डांट खाई। क्यों डांट खाई मैडम? वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पे, तो जिस कारण से शॉपिंग का वीडियो हम नहीं बना पाए। डी मार्ट अच्छा है, आप आराम से वीडियो बना सकते हो, शुभम के मार्ट में नहीं देते हैं। मस्ती करेंगे, मस्ती। वाह, ये साढ़े बालकनी है। लाइट चालू करके आई हूँ मैं घर का, मेरे को लाइट बंद करना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा। फिर मेरे को लगता है झाड़ू पोछा कल ही होगा, आज होगा झाड़ू पोछा? आज होने की आशंका है झाड़ू पोछा? कल ही हो पाएगा झाड़ू पोछा, सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ेगा। प्रीति है मेरे पास, उस घर में तो लाइट नहीं है। ये बोर का नल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले, मैं रिशु हमारे नए घर की ओर, तो खाली तो जाऊंगी नहीं, 2 फैन लेके जाऊंगी। मतलब ऐसा हो रहा है ना अभी, या तो 2 फैन लेके मुझे जाना पड़ेगा, या फिर जो मैं सामान लेके आई थी डीमार्ट से मुझे वो लेके जाना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि फिलहाल तो अभी घर साफ सफाई करना है हम लोग को, ठीक है? तो घर साफ सफाई करना है तो फैन आज नहीं लेके जाऊँ। ये देखिए 2 फैन है यहाँ पे, और 2 फैन ऑलरेडी मैं वहाँ पे लेके जा चुकी हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं ये साफ सफाई करने वाला जो सामान लेके जाती हूँ, जैसे ये जो सामान है, ये सारा जो मैं डीमार्ट से लेके आई थी, ये सारा सामान आपका, जैसे ये आपका फिनॉल हो गया, हार्पिक हो गया, रस्सी हो गया, फिर ये ब्रश हो गया, ये सारा चीज ले जाती हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं निकल रही हूँ। चलो बेटा, नहीं तुम थोड़ा सा ताला पकड़ो बेटा। दो एक ये बैग है मेरे पास, इसमें इसमें बहुत सारा सामान है, और एक बैग है जिसमें नमक है। देखिए पीछे पूरा बोरा है ना, ये सारा बोरा धुला है, मेरी बहन धो के रख के गई है, या तो कम से कम 7-8 बोरा है, इसमें सारा सामान पैक होने वाला है बेटा। और रिशु के लिए भी बिस्किट ली, एप्पल ली हूँ, और पानी ली हूँ, तो बस निकल गई हूँ। पानी लूँ, ये दुपट्टा लेके जा रही हूँ, बाई चांस अगर आज आते आते सो गई तो इससे बांध के उसको लेके आऊँगी, और अगर नहीं सो भी तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आज पीछे बिठा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैन लेके नहीं जा रही हूँ। चलिए तो फिर हम लोग निकल रहे हैं। रिशु को लगी है जोर से सर्दी, बहुत समय से छींक रही है, उसके लिए आते आते मेडिकल स्टोर से दवा भी लेके आना है मुझे। तो निकलती हूँ, आप लोग से अब मिलती हूँ सीधा मैं घर में जाके। रिशु को लेके बहुत मुश्किल से आई मैं यहाँ से, रास्ता पूरा ख़राब है, पता नहीं पूजा के दिन लोग कैसे आएंगे और गाड़ी वहाँ से जाएगी कि नहीं, क्योंकि इतने गड्ढे गड्ढे हो रखे, इतना तालाब तालाब हो रखा है। मेरे आने के बाद फिर ये वर्कर लोग आए, इन लोगों का बाल्टी और पोछा वोछा रखा हुआ था, फिर आके लेकर चले गए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम खुद के घर में। ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइन, ओपन योर माउथ। तो चलिए मैं जो जो सामान लाई वो सारा निकाल लेती हूँ। अभी तक मैं प्रीति को फोन नहीं क्यों करूँगी थोड़ी देर में। तो अब मेन काम है पूरे घर की साफ सफाई, ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। अभी बज रहे हैं 4:30, तो 6:30 बजे तक यानी हो मुझे पूरा काम ख़त्म करना पड़ेगा, सीरियसली पूरा काम। और क्या क्या साफ सफाई कर रही हूँ, क्या क्या करूँगी, आप लोग ब्लॉग में पूरे बने रहना, आप लोग देखना, ठीक है? तो ये आपका निकाल लेती हूँ सारा चीज़ें। ये देखिए ये सारा चीज़ अब मैं, ये सारा यूज़ होने वाला है अभी साफ सफाई में। हाँ अभी मैं जा रही हूँ प्रीति के घर पर, प्रीति बुलाई है, वो बोली यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद मैं आपके साथ फिर आऊँगी, क्योंकि भी हमें फूल का ऑर्डर देना, सबसे पहले फूल का ऑर्डर देना है, उसके बाद दूसरा मुझे LIC ऑफिस में जाना है, फिर मंदिर लेने आना है। तो सबसे पहले ये सब काम हम लोग निपटा लेते हैं, उसके बाद आके घर का काम करेंगे। तो घर का काम करते करते शायद बहुत समय हो जाए, रात हो जाए, इसलिए पहले मंदिर लेके आ जाएंगे, फूल का ऑर्डर दे लेंगे, कुछ कुछ सामान है उसका, जैसे लाइट वाइट भी लाना है। तो मैं निकल रही हूँ प्रीति के घर पर, फिर आके ये साफ़ सफाई उसके बाद करेंगे। चलिए तो ताला लगा के मैं निकली, तो जब मैं निकली ना तो बूंदा बूंदी एक आध बूंद बारिश गिर ही रहा था। तो फाइनली प्रीति के घर पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा बारिश गिरना स्टार्ट हो गया, ले दे के मैं यार रिशु पहुंचे, और थोड़ा सा होने से ना हम लोग भीग जाते इस तरीके से, मतलब बूंदा बूंदी थोड़ा सा होता तो मैं रिशु भीग ही जाते। रिशु को बोली फटाफट दौड़ के अंदर जाओ, क्योंकि बारिश में भीगते भीगते बच। चलो 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 वो बारिश में काला हो गई बोल रही है।
जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं जाना, नहीं जा रही मम्मा, नहीं जाना बोल, नहीं जा रही कहीं, नहीं जा रही। तो भी इतना बारिश गिर रहा है बाहर, भी मैं प्रीति के घर में आके पे रुकी हुई हूँ। तो ये है यहाँ पे, यहाँ पे है ये। हाय करो, हाय, और कुछ करो, और कुछ करो, और कुछ करो। तो पता नहीं बारिश कब रुकेगा। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे सामान खरीदने, बाल्टी खरीदना, मग्गा खरीदना है। अच्छा रिशु मिल जाएगी। मैं तो सोची थी मैं रिशु को लेके नहीं जाऊंगी, मैं और प्रीति जाएंगे। मैं भी जाऊंगी आजकल इतना, अच्छा इसका आजकल इतना बात करती है। तो फिर सामान खरीदना, फिर हम लोग को वापस घर में जाना है। अंधेरा हो गया यहीं पे बैठे बैठे पर रख के शीतू के साथ। तो अभी रिशु और आदु लोग खेलेंगे कैरम बोर्ड शीतू मासी के साथ। नहीं जा रही, नहीं जा रही हूँ मैं नहीं जा रही हूँ, है ना। तो अभी रिशु को रखी हूँ प्रीति की बहन के पास, शीतू के पास है। और शीतू को बोल रही हूँ उसको उसको आँखों में रखना, वहाँ से बिल्कुल मत हटना, नहीं तो दो बच्चे हैं ना एक जगह रहेंगे तो मारपीट हो ही जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधा सीधा सुबह के मार्ट, सामान वामान लेके फिर जाएंगे अपने सीधा अपने घर, नए घर में। तो चलिए आप लोग हमारे साथ। तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी सामान लेने के लिए। तो हम लोग भागते भगाते पहुँच चुके हैं शुभम के मार्ट, और ये मेरे घर के पास पड़ेगा, और जो मेरा लोकेशन, हाँ हम दोनों के घर के पास। फटाफट शॉपिंग करते हैं, जो रिशु को रख के आई हूँ ना थोड़ा सा, हालांकि पहचाना जगह है मगर पहचान वाला कोई नहीं है। रह जाएगी क्या, नहीं खुल रहा डिक्की, कुछ हुआ है, मारना है क्या लात वात, लॉक नहीं लग रही कि क्या, लॉक ज़्यादा ही जोर से लग गया। अभी जा रहे अंदर, बस ज़रूरत का सामान लेना है, सामान लेके सीधा घर जाएंगे ना, फिर इसको तुरंत निकलना है मीटिंग के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ बाल्टी थी, टब था, और मेरे को ज़्यादा नहीं बस तीन बाल्टी लेना था, तीन बाथरूम के लिए तीन बाल्टी। मेरे पास फिलहाल अभी यहाँ पे दो बाल्टी है, लेकिन उसमें से एक बाल्टी फटा हुआ, एक बाल्टी अच्छा है, इसलिए मैं तीन बाल्टी ले ली हूँ तीन बाथरूम के लिए। और जो और एक एक्स्ट्रा बाल्टी है वो नीचे के बाथरूम में अलग से रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 100 रुपये का था, 130 रुपये का, 150 रुपये का सब था। तो आप लोग मैं बार बार दिखाऊंगी मैं कौन सा बाल्टी ली हूँ। तो निकल चुके हैं मैं प्रीति हमारा शॉपिंग कम्प्लीट करके, और हम मैं अंदर डांट खाई। क्यों डांट खाई मैडम, वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पे, तो जिस कारण से शॉपिंग का वीडियो हम नहीं बना पाए। डी मार्ट अच्छा है, पर आप आराम से वीडियो बना सकते हो, शुभम के मार्ट में नहीं देते हैं। तो तीन चार बाल्टी कचरा फेंकने का, कचरा और क्या क्या ली, मग्गा वग्गा, पोछा, किधर सब लिए हैं। अब सीधा यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं। इतना सुंदर चाँद दिख रहा है ना, वाह। अभी आपका बज रहा है 8:30। आज साफ़ करने वाले थे हम लोग घर, शायद ही हो पाएगा, रात बहुत हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने रखे हैं, सीधा अभी घर के लिए निकलेंगे। हाँ अभी लाइट चालू करके आई हूँ मैं घर का, मेरे को लाइट बंद करना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा। फिर मेरे को लगता है झाड़ू पोछा कल ही होगा, आज होगा झाड़ू पोछा, आज होने की आशंका है झाड़ू पोछा, कल ही हो पाएगा झाड़ू पोछा। सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ेगा प्रीति, 7 या 8 बजे उठ के जाना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिशियन वाला आएगा पंखा वंखा लगाने के लिए। चलो आज कम से कम सामान घर में छोड़ देती हूँ, चलो चलो फिर निकल रहे घर के लिए। और फिर घर पहुँच के मैं आप लोग से मिलती हूँ। पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर पे, और आप लोगों को मैं बता नहीं सकती जो सुकून है ना, ये जो मैं फील कर रही हूँ कि अपने खुद के घर का गेट का दरवाज़ा खुद के ताला चाबी से खोलने का जो सुकून है ना, मतलब इतना खुशी हो रहा था ना, मैं किस तरीके से आपको बताऊँ समझाऊँ, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, एकदम ना कलेजा एकदम भर आ रहा था मेरा, इतना ज़्यादा रोना लग रहा था। मगर नहीं, इस घर में खुशियों के साथ अंदर घुसना है, इस घर में पॉजिटिविटी के साथ अंदर घुसना है, तो रोना नहीं है, खुश होना है। कभी कभार खुशी के आंसू निकल जाएंगे, इट्स ओके, बट कोई बात नहीं। मैं घर में ना लाइट चालू करके चली गई थी, इसलिए प्रीति को बोली फटाफट आते हैं, क्योंकि अभी लाइट पूरा चालू रहेगा, क्योंकि मेरा मीटर लगा नहीं है, है ना, बाजू वाले से बिजली लेके पूरा काम चल रहा है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अंदर से लॉक कर दी हूँ, और ये देखिए ये है घर,
हम मस्त जूता वूता खोल के अंदर घुस चुकी हूँ, इतना अच्छा लग रहा था ना। अच्छा लाई हूँ, कचरे का बाल्टी मंगा है और ये कचरा उठाने वाला है, ये दो हाथ पीछने का है और ये तीन बाल्टी लेके आई हूँ तीन बाथरूम के लिए। वो तो लाइट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो ये लाइट यहाँ पे, यहाँ पे हाँ होल्डर तो लगा हुआ है। अरे ये जी यहाँ पर एक ये सब क्या है, ये आपको एग्जॉस्ट के लिए, फैन के लिए, समझ रही मैं है ना, इतना लाइट तो सफिशियंट ही है। चलो दरवाजा बंद कर देते, कोई थोड़ा सा हवा क्या चीज वाला पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। चलो ऊपर चलते हैं, तुमको दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा लोग पूरा ढक दिए हैं, जाली से ढक दिए हैं। हाँ अब मच्छर आने का डर नहीं है, पूरा एकदम भपसा जा रहा है, सफोकेशन सफोकेशन लग रहा है। घर फिर से झाड़ू मार के फिर से पोछा लगाना पड़ेगा मेरे को, लाइट बोल दूँ घर। इस रूम में रहूंगी मैं, हाँ हो जाएगा। बालकनी आ, तुमको बालकनी दिखाती हूँ, मस्ती करेंगे मस्ती। वाह ये साढ़े बालकनी है, वो वाला घर याद है हम लोग देखे थे सबसे पहले, वो किनारे वाला। हाँ इधर भी कोई आ गया क्या, लग तो रहा है पानी सामने से पानी आया होगा एग्जैक्टली। ये मेरा घर के सामने का पोर्शन, ये देखो यहाँ पे मस्त तुलसी पेड़ रख सकती हूँ, यहाँ पे ही देखिए ऊंचा है। हाँ सबसे अच्छा पता क्या, ये ईस्ट फेसिंग है, यहाँ से मस्त सूर्य उगेगा। ये अच्छा अंधेरा है तो भी नीचे जा रहे हैं हम लोग, सीधा निकलेंगे सामान रख लिए, लेकिन सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, पूरा झाड़ू पोछा एक बार फिर से मैं करूँगी। 6 बजे बहुत काम बचा है, कल का ही एक दिन लास्ट है, इतना बिजी होना कुछ दिन से मैं क्या बताऊं। देखिए अगर कुछ अगर ऐसा हो रहा ना तो ट्रक वाले से बात करके रखना। हाँ लेट नाइट होते तो थोड़ा सा जाम आ जाएगा, और एसी वाले से भी बात करके रखना, एसी और फर्स्ट रिपोर्ट कर देगा। मैं निकलती हूँ सीधा, आज तो कुछ हो ही नहीं पाया काम, तो सोचती थी आज साफ सफाई करके रखूंगी लेकिन आज नहीं हो पाया। नहीं कल ही सब चीज करना पड़ेगा, सबको फोन कर देना सर, आपको लाइट है मेरे पास उस घर में, तो लाइट नहीं है। ये बोर का नल है फैन, पर यहाँ फैन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 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 तुम देखो फाइनली भी हम लोग जा रहे घर निकल रहे हैं, मेरी बेटी बहुत समय से अकेले है। हाँ हाँ बादी के तो आराम से चलो, क्योंकि बहुत गड्ढा गड्ढा है यहाँ पे। मैं कोथाई गई थी, तुम खेल रहे थे। जस्ट अभी घर पहुंच रही हूँ, टाइम हो रहा है 10:30, पता नहीं किस तरीके से अभी रात हो जा रहा है, दिन हो जा रहा है, समझ ही नहीं पा रही हूँ। अभी जाके मेरे को खाना बनाना है, जैसे को खिलाना है, फिर उसको सुलाना है, फिर काम करना है। बंद नहीं हुआ क्या,
था काम, मैं काम कर ही नहीं पा रही, पता है अकेले अकेले ना कितना दूर भागू बताओ। 5-10 बजे अभी मेरे को घर जाके खाना बनाना है, खाना बनाऊंगी अभी मैं, खाना बना के इसको खिलाते खिलाते सारे घर आराम से बच जाएगा, उसको सुलाना है, दोपहर को भी नहीं सोई, दोपहर को तो वही चली गई। आओ बेटा जल्दी जल्दी आओ। आराम से गिर जाऊंगी, पूरा घर अंधेरा है। कूल है, चलो करती हूँ। हाँ बेटा बहुत थकान हो गई है, रुको हाथ पैर धो गए। उफ बताओ कैसा लगता है आज, पता है आता तो मच्छर काटा है क्या? दिखाओ कहाँ पे, चलो चलो पहले पैर धोएंगे चलो। उफ बताओ मैं किस तरीके से भागा दौड़ी कर रही हूँ ना, आप लोग ना वीडियो में समझ नहीं पाएंगे, अगर यहाँ पे रहते ना तो आप लोग उस चीज़ को देख पाते ना तो आप लोग समझ पाते। इतनी बार घर में आना जाना हो रहा है मेरा, अभी 10:30 बजे अभी जस्ट मैं चावल चढ़ाई हूँ, चावल बनेगा फिर सब्जी बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी ऋषि को खिलाऊँगी, उसको सुलाऊँगी, और कल मेरे पूरे पेरेंट्स लोग पूरे फैमिली वाले कल आ रहे, कल आपका 10 तारीख है, तो उसके पहले जितना मैं जिस उस कमरे में सारा सामान पैक कर करके रख रही हूँ, और वो कमरा पूरा गोदाम पूरा स्टोर रूम बना हुआ है उसमें रखूँगी, और मेरा सब ना कार्टून कार्टून में जमा हो रहा है कपड़े वगैरह भी, और आज मैं कम से कम 2 से 2.5 घंटा आज मैं कपड़ा धोई हूँ, इतना कपड़ा धोई हूँ, और पूरा कपड़ा आपका उधर सूख रहा है अगर आप लोग को दिख रहा होगा, वो पूरा कपड़ा वहाँ पर कम से कम 4 तार टांग दी, पूरा धो दी हूँ, धो के वो आज सूख जाएगा रात तक, कल सुबह नींद से उठ के वो सारा जमा के जो आपका कार्टून उसके अंदर अच्छे से जमा के रखना है, ताकि उस घर में जाके धुंध जाने का झंझट ना पड़े। बाकी तो आप लोग देखिए क्या क्या सामान लेके रखी हूँ, और आज जल्दी सो जाऊँगी मैं, मान के चलिए 12 तो बज जाएगा मेरे को बर्तन धोते धोते, बेड में जाऊँगी 12 बजे, जाने के बाद 6 बजे का अलार्म लगाऊँगी, 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, 6 बजे नींद से उठूँगी, ब्रश करूँगी, बनाऊँगी पोहा, पोहा बना के ऋषि को खिलाऊँगी, तो सुबह खाएगी नहीं मैं जानती हूँ, बट जितना भी खाएगी मैं खाऊँगी, उसके बाद टिफ़िन लूँगी, टिफ़िन पानी और बिस्किट ये लेके सीधा निकलूँगी नए घर की तरफ, और अब 2 फैन है वो लेके जाना है, ठीक है, तो ऋषि मैं 2 फैन स्कूटी में बांध के और खाना वाना सब लेके यहाँ से चले जाऊँगी नए घर, नए घर में वहाँ फिर प्रीति आएगी, प्रीति आएगी 8 बजे, वहाँ पे प्रीति आएगी, उसके बाद मैं और प्रीति और मैं उसकी बहन को भी बोली हूँ, अगर आप आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आ पाएगी तो हम दोनों कर लेंगे, पूरा घर एक बार फिर से झाड़ू मारना है, पोछा पूरा मारना है, वो हो जाएगा, फिर हम लोग नहा के जाएंगे शॉप, वहाँ से मंदिर लेंगे, मंदिर उठा के फिर घर में आके रखना है एक जगह, हाँ मंदिर ला लिए, फिर जाएंगे फूल का ऑर्डर देने, गेंदा फूल का ऑर्डर, और बोलेंगे भैया हमको शाम तक फ्लावर चाहिए, ताकि शाम को हम लोग रात को माला वाला बना के घरों को घर में टांग दें, और गेंदा फूल ख़राब नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट डे 7 बजे पूजा है, ये हो गया आपका फ्लावर हो गया, मंदिर हो गया, और आपका केला पेड़ शायद मेरे घर से लेके आएंगे, मेरे घर में मतलब केला पेड़ है, ये हो गया, पंडित जी तो सुबह 7 बजे पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि उनको 11 बजे कहीं और जाना है, मतलब ना वो बोल रहे थे कि आप लोग 13 को पूजा कर लो, तो 11-13 11-23 में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो फिर हम लोग बोले नहीं, 11 को सबसे अच्छा दिन है, सबसे शुभ दिन है, सबसे शुभ मुहूर्त है, हम लोग 11 को ही करेंगे, 13 को नहीं करेंगे, इस कारण से ना इन्विटेशन जो है ना कि कब करें, 11 को करें कि मतलब 11 का करें कि 13 का करें, बहुत कन्फ्यूज़न है, मतलब कल मैं पूरा दिन मेरा भागदौड़ में गुजरने वाला है, और कल पापा लोग पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम से रात हो ही जाएगी, तो सब लोग आ रहे हैं, और रात को जब तक उस घर में पूजा ना हो तो रात को रुकते नहीं, हो सकता है कि हम लोग उस घर में पूरा गुछा गुछा के पूरा काम कर करके सब गुछा के रखते रखते शायद 12-1 बज जाए, तो सब गुछा के रख के फिर हम लोग इसी घर में वापस आ जाएंगे 10 तारीख को रात को, फिर सुबह सुबह यहाँ से 6 बजे हम सब नहा वहाँ के तैयार होकर फिर यहाँ से उस घर के लिए निकलेंगे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोलते जब तक पूजा और हवन ना होता तब तक घर में नहीं रुकते हैं, तो 10 तारीख को हम लोग रात को घर में फिर नहीं रुकेंगे, भले प्रीति वही बोल रहे थे कि भले लेट हो जाए घर को सजाने में डेकोरेशन करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन रात को रुकना नहीं है, सोना नहीं है वहाँ पे, भले जग जग के काम कर ले। कितना खुश हूँ, मतलब एक होता ना कि ड्रीम कम्स ट्रू वो हुआ है मेरे साथ, और मैं
मैं जानती हूँ कि अभी इतने दिन मैंने कितना भाग दौड़ किया, मैंने कर रही हूँ एक बच्चा को लेके। अभी रात को 10:30 बजे मैं प्रीति के घर से वहाँ पे वापस आई हूँ। रीशु को आज मैं बांध ली थी चारों ओर अच्छे से दुपट्टा से बांध के, क्योंकि वो आज दोपहर को सो ही नहीं है और मैं कल की तरह रिस्क नहीं ले सकती। और अगर सो भी जाती है तो उसका हाथ के साथ जैसे मुझे सब पकड़ी है तो उसका ये गर्दन से लेके ये पूरा आपका हिप्स तक अच्छे से मतलब पैक करके हाथ के साथ मुझे बांध दी। अगर सोते सोते अगर उसे झूल भी जाएगी तो बस गर्दन है जो मेरा जैसे जांग में आएगा, अदरवाइज मेरे को पकड़ के ऐसे ऐसे सोई रहेगी वो। उस हिसाब से मैं उसको बांध के लेके आई थी। और इतना ट्रैफिक, दो ट्रक आपस में ऐसा चिपक गए थे, एक इधर जाने वाला एक इधर आने वाला। और वहाँ पे मैं खड़ी रही कब कितना समय तक, अब क्या करूँ मैं। फिर ले दे के ऋषि को उठाई, मिली उठो बेटा उठो उठो बेटा, उसको उठाई उसको नीचे उतराई। फिर उसके बाद कीचड़ था वहाँ से खेलने लग गई वो। तो कुकर मेरा फिलहाल अभी 2 सीटी दे दिया है, 3 सीटी देगा। मैं जाती हूँ खाना वगैरह सब्जी वगैरह बना लेती हूँ आज फटाफट, मुझे सो जाना क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम होने वाला। कल मतलब इतना ज़्यादा हैट्रिक होने वाला है आप लोग को बता नहीं सकती। और मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे, बहुत कुछ भागदौड़ कर रही हूँ मैं। तो मार्केट जैसे जितना भागदौड़ करूँ उसका बस 20% ही है जो मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, और बाकी कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को भी गाड़ी वाले से बात करना है गाड़ी ठीक करने के लिए, फिर कार्टून की दुकान में जाना है कार्टून लाने के लिए, सामान बहुत सारा है। ये हो गया मेरा चावल, बंद कर देती हूँ। मेरा कमर हाथ पैर इतना दुख रहा है ना, ओह रे बाबा रे बाबा। मैं सोची थी आज मैं नए घर का मतलब कम से कम झाड़ू पोछा एटलीस्ट कर लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी तो घर चकाचक हो जाएगा। फिर पैरदान जो ली हूँ नया वाला वो घर के बाहर रख दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया आज। कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ करने का लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से आपका 5.5 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से गई धूप धूप में गई, मौसम अच्छा था, वहाँ से जैसी मैं निकली बारिश स्टार्ट, तो कभी भी बारिश हो जा रहा है। और बच्चा को लेकर 5.5 किलोमीटर जाना आना, और इतना ट्रैफिक, कम से कम 3 या 4 सिग्नल आता है, इतना ट्रैफिक बीच में पड़ता है ना आप लोगों को क्या बताऊँ। और जहाँ से मेरा घर जा रहा है ईजी वाला रोड में पूरा गिट्टी और पूरा बालू फेंक दिए, क्योंकि वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है और एक घुमावदार रोड है वहाँ, रोड नहीं रोड के बीच 7 तालाब है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा। आते वक्त तो प्रीति दूर गाड़ी खड़ी की, फिर हम लोग किनारे किनारे से गए। ऐसा लग रहा है कि मेरे को फीवर आने वाला है। खुशी भी बहुत हो रही है, दुख भी लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, छूट जा रहा है छूट जा रहा है छूट जा रहा है, बट होप सो कल तक मैं कर लूँगी। इनवाइट भी काफ़ी लोगों को नहीं कर पाई मैं, आज हो ही नहीं पा पता। हाँ करूँगी, सुबह नींद से उठी सोची थी सबको इनवाइट करूँगी, कुछ कुछ लोगों को इनवाइट करूँगी, नहीं हो पाया। फिर दोपहर को जब मैं कपड़े धो रही थी तब करूँगी, तब नहीं हो पाया। शाम को जब मैं उस घर में थी तो मैं बोली अब कर लेती हूँ इन्वाइट, तब भी नहीं कर पाई। अभी घर आई हूँ, अभी 10:30 बजे, अब कैसे इन्वाइट करूँ। कल 10 तारीख है, कल ही कर दूँगी। चलिए मैं जाती हूँ अपने ब्लॉग के एंड, अभी मैं यहीं पर ही करती हूँ। आप सबसे मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके बाद वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं घर साफ़ करती हुई दिखने वाली हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी कल पहुँच जाएंगे। तो आप सभी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे।